एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मिस्टर स्मिथ नाम का एक लालची दुकानदार और उसका उतना ही लालची बेटा डेनियल रहता था। वे अपनी बेईमान व्यापारिक प्रथाओं और धन की अपनी अतृप्त इच्छा के लिए जाने जाते थे। उनकी दुकान महंगे सामानों से भरी हुई थी और उन्होंने ग्रामीणों के विकल्पों की कमी का फायदा उठाया। गरीब लोगों से अधिक धन लूटते थे। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में टहलते हुए मिस्टर स्मिथ और डेनियल घने जंगल के भीतर एक रहस्यमय पेड़ से टकरा गए। ऐसा कहा जाता है कि इच्छा वृक्ष के नाम से जाना जाने वाला पेड़ शुद्ध दिल से आने वाले किसी भी व्यक्ति को दो इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। परम लालची दुकानदार और उसके बेटे ने पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि दो इच्छाओं से वे अकल्पनीय संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। स्वार्थी इच्छाओं के परिणामों के बारे में ग्रामीणों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए वे पूरी तरह से अपने लालच से भरे थे। जैसे ही वे विश ट्री के पास पहुंचे, यह पेड़ एक चमक के साथ झिलमिला उठा और एक कोमल हवा इसकी शाखाओं के माध्यम से फुसफुसाई। मिस्टर स्मिथ और डेनियल उत्सुकता से आगे बढ़े। प्रत्येक ने इच्छा व्यक्त की। श्री स्मिथ ने अपनी पहली इच्छा के साथ कहा, मैं सोने की अंतहीन आपूर्ति की कामना करता हूँ, मुझे फिर कभी धन की इच्छा न हो। डेनियल ने अपनी इच्छा की घोषणा की, मैं अद्वितीय ज्ञान और बुद्धि की कामना करता हूँ, जिससे मैं अपने रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति को मात दे सकता हूँ। जिस क्षण उनकी इच्छा बोली गई, जंगल में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। ट्री मुरझाने और सिकुड़ने लगा, उसका जादू फीका पड़ने लगा। उनकी स्वार्थी इच्छाओं के परिणाम असर करने लगे थे। थोड़ी ही देर में श्री स्मिथ और डेनियल ने गांव में अपनी दुकान को एक बंजर उजाड़ जगह में तब्दील होते देखा। सोने की अंतहीन आपूर्ति जिसकी मिस स्मिथ ने कामना की थी, दुकान से बाहर आने लगी। इसके रास्ते में सब कुछ दब गया। सोना पूरे गांव को खा गया, गांव को बंजर भूमि में बदल दिया। इस बीच ज्ञान और बुद्धि के लिए डेनियल की इच्छा ने एक मोड़ ले लिया। जैसे जैसे उनके दिमाग का विस्तार हुआ, वे अपने नए ज्ञान से अभिभूत हो गए। वह अब सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकता था, अपनी खुद की मानवता से संपर्क खो रहा था। उसकी बुद्धि एक अभिशाप बन गई, जिससे वह अकेला और दयनीय हो गया। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के परिणामों को महसूस करते हुए श्री स्मिथ और डेनियल ने विश ट्री की क्षमा के लिए सख्त अनुरोध किया। उन्होंने अपने तरीके बदलने और अपने शेष वर्षों का उपयोग दूसरों की मदद करने और अपने पिछले कार्यों के लिए संशोधन करने का वादा किया। उनके वास्तविक पछतावे से प्रेरित होकर विश ट्री का जादू वापस आने लगा। गांव धीरे धीरे ठीक होने लगा और जीवन एक बार फिर से फलने फूलने लगा। श्री स्मिथ और डेनियल अब अपने अनुभव से विनम्र हो गए। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग करके गांव के पुनर्निर्माण और कम भाग्यशाली लोगों को प्रदान करने के लिए खुद को दयालुता के निस्वार्थ कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उस दिन से कभी लालची दुकानदार और उसका बेटा गांव में परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति दया और करुणा में है। दूसरों की भलाई करना ही सच्ची मानवता है। और इसलिए लालची दुकानदार और उसके बेटे की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि लालच और स्वार्थ विनाश का कारण बन सकते हैं, लेकिन पश्चाताप और हृदय परिवर्तन से मुक्ति हमेशा संभव है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।